हाय गाइस, वेलकम टू टेक एंड फाइनेंस। अभी देखे 12:32 हो चुका है। मैंने ऑलरेडी पोजीशंस तो लिया था बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और हर दिन मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं पाऊंगा। सिंपल यहां पे देख सकते हो, दो पोजीशंस मैंने बनाया था ICICI एंड आइबुल हाउसिंग फाइनेंस में। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस में गाइस मैंने बाय किए थे, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला आइबुल में, और 15,000 की लॉस। लेकिन यहाँ पे रिकवरी करते हुए मैंने येस बैंक प्रॉफिट भी हुआ है, यहाँ पे 10,000 की लगभग प्रॉफिट है। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे कि सर ऑप्शंस में निफ्टी पर पोजीशंस कैसे बनाएं, कॉल एंड पुट में पोजीशंस कैसे ले, एंट्री कैसे ले फायर्स की ट्रेडिंग टर्मिनल में। तो आज हम इस सेशंस में मैं टोटल आपको दिखाऊंगा। निफ्टी की 1 मिनट चार्ट अगर देखें तो बिल्कुल डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट ओपनिंग के साथ साथ। और उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अगर 1 डे की चार्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल हैमर जैसी कैंडल बन रहा है, नीचे की तरफ लो बना के रिकवरी देखने को मिल रहा है निफ्टी पर। तो गाइस निफ्टी की आज टुडे लो प्राइस से बिल्कुल रिकवरी देखने को मिला, और मुझे लगता है और भी अपसाइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ओपन हुआ और फिर लो बना के बिल्कुल लो पॉइंट से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो मुझे लगता है और भी पॉजिटिव साइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निफ्टी की कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज पुट। अगर आपको लगते हैं कि निफ्टी और भी डाउन जाएगा तो आप पुट को बाई करेंगे, ठीक है। गाइस मुझे लगता है कि निफ्टी में और भी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो मुझे कॉल बाई करना है, कॉल यानी सी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले निफ्टी टाइप करना है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस दे दिया, और ये आप देख सकते हो सी फॉर कॉल एंड पी फॉर पुट सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस के साथ और एक्सपायरी। तो मुझे कॉल करना है 22 अगस्त की, मैंने स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया कॉल। फिर से मैं पुट को ऐड करूँगा, निफ्टी स्ट्राइक प्राइस, ये देखिए पुट पी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की, अलग अलग एक्सपायरी की। अगर आपको 29 एक्सपायरी की लेना है तो वो भी देखिए थर्ड एंड फोर्थ में आपको दिख रहा है। तो सिंपल मुझे नियर जो स्ट्राइक, नियर जो एक्सपायरी डेट स्क्रिप्ट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल को बाई करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर विंडो ओपन कर लिया, उसके बाद ये देखिए लॉट साइज, लॉट साइज 75 वन लॉट है, मैंने यहाँ पे 2 लॉट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर मोड पे, रेगुलर ऑर्डर जो टाइप है, और लिमिट प्राइस मैं एक दे देता हूँ 75.50। ये देखिए आप चार्ट में ही आपको दिख रहे हैं कौन सी प्राइस में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मॉडिफाई करना है तो सिंपल यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे 78 में बाई करना है, और एक लॉट में बढ़ा देता हूँ तो 300 क्वांटिटी हो गया है। चलिए ये देखिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और चार्ट में आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। फायर्स की ट्रेडिंग टर्मिनल है, चार्ट में ही सारे कुछ दिखते हैं। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने दीजिए, और उसके बाद मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस करके दिखाऊँगा, बहुत ईजी है। गाइस अभी जस्ट आप देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, और प्रॉफिट लॉस सारे कुछ आपको चार्ट में ही दिख रहा है कि 300 समथिंग मुझे लॉस हो रहा है अभी, ठीक है। 78 में हमने एंट्री ले ली, 300 क्वांटिटी, 1 लॉट यानी 75। आपको 1 लॉट लेना ही होगा, और 1 लॉट की मल्टीप्लाई में आपको लेना होगा, यानी 2 लॉट यानी 150 क्वांटिटी, ओके। तो गाइस ये देखिए मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे जो स्टॉप ऑर्डर है इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। और देन आप क्वांटिटी भरेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, और आपको प्राइस भी देना होगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये मुझे एक सपोर्ट जोन लग रहा है, ये 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से सारे बाउंस बैक किए हैं, और ये ओपन एंड क्लोज प्राइस के आसपास ही हैं। तो सिंपल 65 पहले स्टॉप, और देन क्वांटिटी 4 लॉट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दे दी, देन प्राइस, ठीक है 65 आ गया है। अब सिंपल सेल बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में आपको दिखेगा कौन सी पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको दिख ही रहे हैं, 1500 के आसपास मुझे लॉस हो रहा है। तो आसानी से मैंने ओनली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है।
ये फायर्स की चार्ट है, फायर्स की ट्रेडिंग टर्मिनल है गाइस, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो सेल ऑर्डर विंडो पर क्लिक करके आप आसानी से ऊपर की तरफ आप टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। हाय गाइस, वेलकम अगेन। अभी देखिए 12:42 है और अभी अभी जस्ट मैंने आईवुल हाउसिंग फिनेंस में 1 लॉट बाय किया हूँ फिर से। पहले तो मुझे लॉस था और अभी मुझे लगता है कि और भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टुडे जो हाई था, टुडे हाई की अभी जस्ट ब्रेक हुआ है, 506 हाई था और उसके बाद अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे बाई पोजिशंस बनाया है 800 यानी 1 लॉट की, ओके, और अभी भी ओपन पोजिशंस है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो 100 समथिंग मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 78.40 अभी जो प्रीमियम है। गाइस ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हमारा जो प्रेजेंट बेस प्राइस है उसके ऊपर है, तो ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन टू टेक एन फाइनेंस। अभी देखे मार्केट क्लोज्ड हो चुके ऑलरेडी और 5:19 हो रहे हैं अभी। एक्चुअली हमने जो देख रहा था निफ्टी ऑप्शंस में पोजीशंस कैसे बनाए, ऑप्शन स्क्रिप्ट में पोजीशंस कैसे बनाते हैं निफ्टी में, लेकिन गाइस मुझे आईवुल हाउसिंग फाइनेंस में पोजीशंस बनाना था। 1 लॉट तो कंटिन्यू चल रहा था, उसके साथ साथ मैंने और 1 लॉट बाय करना था। इनके लिए ऑप्शंस में जो पोजीशंस था उनको मैंने कैंसिल कर दिए थे और उसके बाद वीडियो पॉज हो गया था, तो एक्चुअली मैंने दिखा नहीं पाया, साउंड प्रॉब्लम के वजह से उनको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब हम उन रेस्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और फाइनली नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे है मंडे के लिए 4 स्टॉक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। किसी भी ऑप्शन स्क्रिप्ट इंडेक्स हो या फिर स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें ट्रेड लेने से पहले, किसी भी कॉल या पुट में ट्रेड लेने से पहले आप यहाँ पे ऑप्शन स्क्रिप्ट को पहले जान लें। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट एंड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, शॉर्ट कवरिंग, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको इसके रिगार्डिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो सिंपल आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। 20 सब्सक्राइबर अगर मुझे कहे कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगा गाइस। तो हमने वीडियो में, लाइव वीडियो में जो देख रहा था, आपका एनालिसिस अगर ये है कि निफ्टी पॉजिटिव जाएगा तो आप सी यानी कॉल को बाई करेंगे, कॉल स्क्रिप्ट को। अदरवाइज अगर लगते हैं निफ्टी डाउन जाएगा तो आप पुट स्क्रिप्ट को बाय करेंगे, और बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और किस तरह मॉडिफाई होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाया था। और ये फायर्स की ट्रेडिंग टर्मिनल है, चार्ट के ऊपर ही आपको पोजीशंस दिखते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी दिखते हैं, तो आप आसानी से टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्राइस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो गाइस फ्री में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लग रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो लॉस था मेरा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑल पोजीशंस, यहाँ पे जो लॉस था 15,000 के आसपास, ये देखिए लॉस कवर होकर यहाँ पे मुझे 5,000 की प्रॉफिट। गाइस आईवुल हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेड करने से पहले खुद के रिस्क पता करें, एक सर्टेन स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें पोजीशंस बनाए, क्योंकि मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स है, इसमें ट्रेंड प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर डिसिप्लिन से अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके आप अगर काम करेंगे तो शायद आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाए। मैं यहाँ पे ज्यादातर पोजीशंस तो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा लॉस भी होते हैं और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी देते हैं, तो सिंपल गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। और येस बैंक जो सुबह सुबह पोजीशंस बनाया था वहाँ पे भी जो प्रॉफिट हुए थे वो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो निफ्टी कॉल में जो पोजीशंस बनाया था उनको मैं यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, एंट्री प्राइस में कोई भी लॉस नहीं हुआ, 78 में मैंने लिया था और 78 में इसने क्लोज कर दिया। लेकिन ये देखिए इसने जो हाई बनाया था ऑलरेडी 101 हमने लिया था पोजीशन 78 में, तो यहाँ पे लगभग 23 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला और ये देखिए क्लोज हुआ है 84। तो गाइस टुडे जो टोटल ट्रेडिंग रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 28,000 समथिंग पॉजिटिव में है। तो दैट्स इट गाइस, टुडे जो ट्रेडिंग रिजल्ट है 28,000 समथिंग। तो चलिए आप बात करते हैं कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग की।
और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपल आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी मैंने दो लेवल्स दिए थे यहाँ पे, SBI को शॉर्ट करना है एंड IGL को बाय, यहाँ पे दोनों ही अच्छा खासा टारगेट हिट किए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो गाइस। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, अभी 5 पैसा में बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, जिनकी अकाउंट ओपनिंग फीस 600 समथिंग है, लेकिन आपको वो नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस दैट्स इट, अब देखते हैं मंडे के लिए 4 स्टॉक्स। उससे पहले मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट जो लेवल्स है वो मैं बताना चाहूंगा। गाइस निफ्टी यहाँ पे देखिए, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना और यहाँ से बॉटम बना के अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ निफ्टी मूवमेंट तो दे रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह की कैंडल, प्रीवियस डे की कैंडल आप देख सकते हो, एक डोजी कैंडल, इनको भी आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इस तरह की कैंडल अगर बॉटम में बनते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, इसका मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए जो दो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, नीचे की तरफ सपोर्ट होगा यहाँ पे 10,900। गाइस यहाँ पे जो पुट है, इस स्ट्राइक प्राइस पर पुट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए ये रहे इम्पोर्टेंट सपोर्ट। एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, छोटा सा हार्डल आप कह सकते हो यहाँ पे 11,100, इस लेवल्स को देखते हुए आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में पोजीशंस बना सकते हो। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करें तो अच्छा खासा रिकवरी निफ्टी पर देखने को मिलेगा। तो गाइस आप बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, और स्टॉक्स बताने से पहले गाइस मैंने आज के लिए जो स्टॉक्स बताया था प्रीवियस डे, उन स्टॉक्स सारे ने यहाँ पे टारगेट हिट किए हैं। बजाज ऑटो, SBI लाइफ, ICICI बैंक एंड RBL बैंक, सारे स्टॉक्स मैंने बाय करने के लिए ही दिया था। मार्केट आज उतना अच्छा खासा पॉजिटिव तो नहीं था, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए जो 4 स्टॉक्स है, पहला स्टॉक्स है बाटा इंडिया। इन स्टॉक्स को आज हमारे प्राइम टेलीग्राम में भी मैंने अपडेट किया था गाइस। इनकी चार्ट अगर देखें, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस जो 2 मेजर हाई है उनकी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज, ठीक है। आज मैंने स्टॉक्स को दिया था और अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट, यहाँ पे लगभग 1479 पॉइंट समथिंग इसने हाई बनाया था, तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही था और इसने हिट किया है। तो गाइस मंडे के लिए भी आप इनको अपने रेडर में रख सकते हो। अगर ये जो लेवल्स हैं, आज जो हाई बनाया, टुडे जो हाई, इनको अगर ब्रेक करे 1480 और मार्केट भी पॉजिटिव रहे, मार्केट भी साथ दे, तो सिंपल आप इनको बाय करके चल सकते हो। SL मेंटेन करना है 1465 एंड टारगेट 1497 एंड फाइनल टारगेट 1510 के लिए बाटा को अपने रेडर में रख सकते हो गाइस। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सारे NBFC स्टॉक्स जैसे कि आई विल हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, सारे स्टॉक्स में आज अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, तो इन स्टॉक्स को भी अपने रेडर में जरूर रखे। तो इनकी चार्ट अगर देखे, यहाँ पे जो एक रनवे गैप था, इनकी फिलअप कल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म जो रेंज, इस रेंज की ब्रेकआउट हो रहा है, लास्ट 3 डेज की रेंज की ब्रेकआउट हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो रनवे गैप है, इन गैप को भी फिलअप कर सकते हैं कल। तो इन स्टॉक्स को अपने डर में जरूर रखें, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर में या कि क्लोज दिए इन स्टॉक्स। बाय करना है 3 to 3.2 एंड SL मेंटेन करना है 318 एंड टारगेट 327.8 एंड फाइनल टारगेट 333 के लिए अपने डर में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को रख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है IDFC फर्स्ट बैंक। गाइस इनकी भी चार्ट अगर देखे, टेक्निकली चार्ट एंड पैटर्न सारे कुछ पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आज की जो कैंडल बना अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर में आके क्लोज दिए, और साथ ही साथ प्रीवियस 2 जो मेजर हाई है, रिलेटिव हाई, इनको भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ब्रेक हुए गैप है और इनकी भी फिलअप कल हो सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को अपने रेडर में जरूर रखें नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। बाय करना है 46.1, टुडे जो हाई है उनको ब्रेक करे तभी इसमें पोजीशन बना सकते हो, एंड SL मेंटेन करना है 44.5 एंड टारगेट 50 के लिए अपने रेडर में जरूर रख सकते हो गाइस। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टॉक्स है वो है कनाडा बैंक। गाइस कनाडा बैंक की जो पैटर्न्स है, ट्रेंड है, बिल्कुल तो यहाँ पे नेगेटिव है। आज इन स्टॉक्स में अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, नीचे की तरफ ओपन होकर, कल इसमें रिवर्सल की थोड़ा बहुत इंडिकेशन देखने को मिला था, और आज देखिए वहां से ओपन होकर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, खरीदारी, और देन ऊपर में यहाँ के क्लोज दिए इन स्टॉक्स, ठीक है। तो इसकी जो पैटर्न्स अगर देखे तो मॉर्निंग स्टार टाइप की पैटर्न है, अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला है, इन स्टॉक्स को भी रेडर में रखें, ये बिल्कुल नेक्स्ट डे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन छोटा सा हार्डल आप यहाँ पे कह सकते हो। इनकी अगर चार्ट देखे तो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हो, यहाँ पे देखे रिलेटिव लो, यहाँ पर भी एक मेजर लो है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हाई है, ये जो शॉर्ट टर्म रेंज की एक रेजिस्टेंस, तो ये इनके लिए छोटा सा हार्डल बन सकते हैं यहाँ पे इन पॉइंट पे,
241 पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मैं मेंटेन कर दिया 240, बाई करना है 237.5 एंड टारगेट मेंटेन करना है 240.5 एंड फाइनल टारगेट 244। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। अगर इनको भी ब्रेक करके सस्टेन करे तो यहाँ पे 244.46 तक भी जा सकते हैं कनाडा बैंक। तो इन स्टॉक्स को अपने रडार में जरूर रखें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। तो यहाँ पे गाइस जितने भी सारे स्टॉक्स अपडेट होते हैं ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपनी ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें। आपकी ट्रेडिंग की रिस्क बिल्कुल आपकी है ये समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए। और ट्रेडिंग में किसी को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे कुछ सीख पाएंगे। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, अभी देखिए आपको प्राइम टेलीग्राम में ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे प्राइम में ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आपको सिंपल इस फ्री टेलीग्राम चैनल में ही लाइव मार्केट्स में भी कॉल्स आपको मिल जाएगा। मुझे अगर कुछ एक्यूरेट लेवल्स मिलते हैं तो सिंपल मैं यहाँ पे ही अपडेट कर दूंगा, तो आपको प्राइम में ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग ऑलरेडी 10 एपिसोड मैं पब्लिश कर चुका हूँ, 10 या 12 एपिसोड। तो वो वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं पहले वो वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद आप अगर चाहते हैं और भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वीडियो बनाया जाए, जैसे कि ट्रेंड लाइन, ट्रेंड क्या होते हैं और ट्रेंड लाइन को कैसे फॉलो करें, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, इंटरनल ट्रेंड लाइन क्या होते हैं, कॉन्वेंशनल ट्रेंड लाइन क्या है, ये सारे चीज के बारे में आप अगर वीडियो चाहते हैं तो सिंपल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।